So we have another important voice that joins us, Suresh Pachori, former defense minister and leader of the Congress party, with us on the broadcast. Mr. Pachori, thank you so much for joining us uh, on NewsX on election day. I'll begin by asking you what, as per you, have been the biggest failures of the Shivrat Singh Chauhan government in Madhya Pradesh? Suresh, you शिवराज सिंह जी की सरकार की नाकामी की बात आपने पूछी है तो स्पष्ट बात यह है कि उन्होंने जो जो वादे प्रदेश की जनता से चुनाव के समय किए थे और सत्ता में आने के बाद किए थे उन वादों पर अमल नहीं किया मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे लेकिन किसान कि हालत ये है कि ना उन्हें खाद मिल पा रहा न बीज न सिंचाई के लिए पानी न बिजली है और किसान कर्जदार हो रहा है नौजवानों के लिए उन्होंने कहा था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को आवश्यक रूप से रोजगार देंगे वो नहीं हो पाएगा उसके साथ ही मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है वर्तमान में मध्य प्रदेश पे चार लाख बाईस हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा है खुद सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट है एन की, की महिला अत्याचार बालकों पे अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है खुद योजना आयोग का जो नाम अब बदल के नीति आयोग हो गया है वो शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश फिसड्डी राज्य बन गया है मेरा कहने और बताने का आशय ये है जी सरकारी एजेंसी ये स्वीकार कर रही है कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। ये शिवराज सिंह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है ओके पचौरी जी कांग्रेस की बात करते हैं कांग्रेस ने ओबीसी कोटा को अपना बड़ा सबसे बड़ा चुनावी वादा बनाया है मध्य प्रदेश में पर यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ तुष्टिकरण है आपका क्या कहना है इस पर देखिए बात बड़ी स्पष्ट है कि चुनाव के समय हम ये तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं हम ये कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी सरकार में थे तब भी उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी और आज भी कह रहे हैं तब भी उन्होंने गरीब वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो आज भी कह रहे हैं तब भी उन्होंने महिला और नौजवान वर्ग के उत्थान की बात कही थी जो वो आज भी कह रहे हैं तब भी उन्होंने किसान कर्ज़ माफी के संबंध में फैसला किया था और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था जो आज भी कह रहे हैं तब भी उन्होंने बिजली के अनावश्यक बिल का जो भुगतान किसानों को करना पड़ रहा है उनको माफ़ करने की बात कही थी जो आज भी कह रहा है तो ये बात तुष्टीकरण की नहीं है ये आवश्यक कदम उठाने की बात है ओके एट द सेम टाइम मिस्टर पचौरी राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को देश की भ्रष्टाचार राजधानी कहा है लेकिन भाजपा का ये दावा है कि राज्य में रिकॉर्ड विकास हुआ है अंडर द रूल ऑफ द बीजेपी हैज द कांग्रेस पार्टी देन मैनेज टू कन्विंस द वोटर ऑफ वॉट इट वॉन्ट्स टू से देखिए जहाँ तक हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र किया वो तथ्यों के आधार पर किया है दस्तावेजों के आधार पर किया है मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ ये एक ऐसा घोटाला है जो सर्वविदित है मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला पटवारी भर्ती घोटाला हुआ ये सर्वविदित है मध्य प्रदेश में महाकाल में जो सप्तषियों की मूर्ति गिरी और उस निर्माण में जो घोटाला हुआ वो सब सर्वविदित है लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि इन घोटालों से संबंधित फाइलें जिस सतपुड़ा भवन में थी वो फाइलें जला दी गई इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये घोटाले के मामले में भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी उन्होंने वो सभी सबूत मिटाने की कोशिश की लेकिन सबूत सबूत होते हैं इन भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की जांच की जाएगी और जो इसमें लिप्त हैं जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी ओके एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो ये कपड़ा फाड़ का विवाद हुआ है उस पर काफी प्रकाश डाला है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टसल है मध्य प्रदेश में दो बड़े लीडर्स के बीच में कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये भाजपा के पक्ष में काम कर जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है वो जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की ना तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है ना अमर्यादित वाक्यों का इस्तेमाल किया है ये बहुत दुर्भाग्यजनक ओके बिफोर वी मिस्टर पचौरी टू मोर क्वेश्चन क्विकली टू यू मध्य प्रदेश में ये देखा गया था जो आई एन डी आई पार्टीज हैं उनके बीच में एक डिवाइड uh, है uh, सपा और कांग्रेस के बीच में वो डिवाइड देखा गया क्या कहीं आपको लगता है कहीं ऐसी चिंता है कि ये भाजपा के पक्ष में काम कर जाएगी बात? कौन सी पार्टियों का विभाजन है? कांग्रेस एकजुट है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता समर्पित भाव से कांग्रेस को विजेष्वी दिलाने में लगे हुए हैं। सारे नेता एकजुट। All right, absolutely. Okay, the Congress party very confident there. Uh, Mr. Pachori, before we let you go, sir, one last question. अगर कांग्रेस पार्टी जीत कर मध्य प्रदेश में आती है तो क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएंगे या नहीं देखिए कमलनाथ जी के बारे में स्पष्ट रूप से खरगे जी ने घोषणा कर गए हैं कि ये मध्य प्रदेश के हमारे सीएम फेस हैं। सुरजे बाला जी से जब प्रेस ने भोपाल में पूछा कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन है तो उन्होंने कमलनाथ जी की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा यही बात राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने भी कही है तो कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से सीएम फेस कमलनाथ जी हैं कमलनाथ जी के प्रति मध्य वासियों के मन में भरोसा है कमलनाथ जी को पंद्रह माह तक काम करते हुए लोगों ने देखा है उनके जो सराहनीय निर्णय हुए हैं जो काम उन्होंने किए हैं उसको लोगों ने सराहा है लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस अभी तक उजागर नहीं हुआ है तो बात बड़ी साफ़ है पहला तो भाजपा को ये आभास हो गया है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले इसलिए वो अपना सीएम फेस नहीं बताने जा रहे हैं दूसरा उनमें ही आपस में सिर्फ उठवल हो रही है दिमनी में नरेंद्र तोमर कह रहे हैं सीएम फेस वो है इंदौर में सीएम फेस जो खुद चुनाव हारने जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय वो अपने आप को बता रहे हैं इसी प्रकार से रीति पाठक सीधी में अपने आप को सीएम फेस बता रही हैं राकेश सिंह ग्वालियर में अपने आप को सीएम फेस बता रहे हैं कुलस्ते जी सीएम फेस अपने आप को मंडला में बता रहे हैं okay. और इस बारे में अमित शाह जी भी मौन है और नरेंद्र मोदी जी भी चुप्पी साधे हुए हैं All right, that was uh, Suresh Pachauri of uh, the Congress Party with us on the broadcast. Mr. Pachari, thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.